प्रदेश में जहां एक ओर कोरोना की लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर बाजपुर में कोरोना से बेखौफ लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन कर व्यापारी अपनी दुकानों को खुला रख रहे हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिले में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों के खिलाफ कई व्यापारी दुकान खोलकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं के साथ साथ अन्य व्यापारी भी अपनी दुकानों को खुला रखकर गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान जिले के सीओ दीपशिका अग्रवाल ने बताया कि गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सभी व्यापारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई को अमल में लाने की बात कही है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक आदेश जारी हुआ है लॉकडाउन का, जिसमें 27 तारीख से 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशन दिया गया है। तो उसको देखते हुए 7 से 12 बजे तक कुछ एसेंशियल आइटम जैसे कि राशन, फल, सब्जी, फर्टिलाइज़र इत्यादि दुकानों को चलाने का ऑर्डर दिया गया, बाकी सबके लिए प्रतिबंध है। तो इसमें पुलिस द्वारा जगह जगह पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि जो दुकानें बंद होनी है उनको सख्ती से बंद करें, जो भी दुकानें खुली हैं उसमें सामाजिक दूरी का पालन करें और सभी लोग मास्क लगाएं। जिन लोगों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन कराया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान किए जा रहे हैं। जैसे कि कल रात ही ऑर्डर आया है, कुछ लोगों को अभी भी इसको लेकर कन्फ्यूजन है, तो इस वजह से पुलिस की जो थाने की गाड़ी है उसकी जगह जगह पर अनाउंसमेंट कर रही है और व्यापार मंडल वालों से भी हमने बात की है, वे भी जगह जगह पर लोगों को बता रहे हैं कि क्या चीज़ खुली है क्या चीज़ बंद है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।